So hello everyone and welcome back once again to the channel. So as you all know that RBI Grade B 2023 examination is now coming, and with this a lot of students are asking this question that how to cover government schemes for the examination. Hum government schemes ko kaise cover kare, kya sources follow kare, and government schemes ek aisa topic hai jisse aap mein se bahut sare students aise hain jo ki bahut darte hain, but after watching this video I can guarantee you कि ये डर आपका खत्म हो जाएगा. सो ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर इफ यू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली. सो इन दिस वीडियो गाइस आई एम गोना टेल यू व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू शुड फॉलो फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाई वी शुड कवर इन द गवर्नमेंट स्कीम्स, क्या जरूरत है हमें गवर्नमेंट स्कीम्स को करने की, देन हाउ टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाट आर द सोर्सेज, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आई कैन गारंटी यू. और अगर नहीं होता है तो भाई साहब पैसा वापस. ठीक है, सो चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर आरबीआई 2023. एंड प्लीज ध्यान से देखना, बार 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 आप लोगों के सवाल आते हैं कि भाई कैसे करें कैसे करें, तो एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो. ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम का क्या इंपॉर्टेंस है. तो यार ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप में से वो लोग जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है आरबीआई का, तो उन्हें पता होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन फेज वन, इन फेज टू, इन बोथ द फेजेस क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स आर बीइंग आस्क्ड एंड डेफिनेटली विल बी आस्क्ड इन द फ्यूचर. एंड अब देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस का लेवल है दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, दैट हैज बिकम डिफिकल्ट, राइट. तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो दोनों फेजेस में है, वेदर इट इज फेज वन. फेज वन में वी हैव जी ए एज यू ऑल नो एंड देर आर 80 क्वेश्चंस, और इन आउट ऑफ दीज 80 क्वेश्चंस देयर आर वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट. देन फेज टू में वी हैव अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, द एंटायर ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट. देयर आर 30 क्वेश्चंस इन द ऑब्जेक्टिव पेपर, एज यू ऑल नो 30 क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट. इस इन 30 में से अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली, एंड दैट टू दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट इजी कि आप उसको देखोगे मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे, नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होते हैं, राइट. सो इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो फेज वन में, फेज टू में. इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट एग्जामिनेशन जो अभी 2022 में हुआ है, द पीपल हु वर वेल वर्स्ड विद द गवर्नमेंट स्कीम स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन ESI, क्योंकि ESI का पेपर डिफिकल्ट था जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम. और वो इसलिए था बिकॉज आप लोग क्या करते हो कि गवर्नमेंट स्कीम को ऊपर ऊपर से देख लेते हो, बट दैट does not serve the purpose. उससे कुछ भी फायदा मिलने वाला आपको नहीं है, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा बिकॉज RBI is going into the details of the scheme, so you also have to go into the details, right? So yeah, you can see here the importance is pretty much, बहुत ज्यादा importance है government schemes की अगर हम RBI grade B की बात करते हैं तो, whether it is phase वन or phase टू, right? And in fact in interview as well, अगर कोई स्कीम जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है तो उससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो गवर्नमेंट स्कीम का स्कोप और इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा, गवर्नमेंट स्कीम बिल्कुल आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो बिल्कुल वो साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे की जो लड़कियां होती हैं कि भाई इसने मुझे दोबारा मुड़ के नहीं देखा वाला हिसाब है गवर्नमेंट स्कीम का. अगर आप उसको मुड़ के नहीं देखोगे तो इट विल यू नो इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, राइट. सो लेट्स मूविंग अहेड. Now, how to prioritize the government schemes? Government schemes को prioritize कैसे करना चाहिए? And please, भाई कोई offend मत हो जाना, ठीक है? It was just a joke, right? So, how to prioritize? अब हमें government scheme को prioritize कैसे करना चाहिए? देखो, there are thousands of government schemes, ठीक है? There are thousands of government schemes, so you can't cover all the government schemes. It is not possible humanly at all, right? ये बिल्कुल भी possible नहीं है. See, government schemes का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो कहां पे है? इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, राइट. इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाला जो हमारा सब्जेक्ट है फेज टू में, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो उसी के हिसाब से हमें उसको प्रायोरिटाइज भी करना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली ये ट्रेंड है फ्रॉम द आरबीआई एग्जामिनेशन, द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन इन न्यूज फॉर द लास्ट वन ईयर बिफोर द एग्जामिनेशन आर आस्क्ड, ठीक है. तो सबसे पहले आपको वो स्कीम्स कवर करनी है जो कि न्यूज में है पिछले एक साल में बिफोर द एग्जामिनेशन, राइट. And then you have to move towards the landmark schemes. Now, what is the meaning of landmark schemes here?
See, landmark schemes like we have MNREGA is a landmark scheme of government of India, जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही prominent schemes है government of India की, जिसके बारे में काफी शोर मचाती है government, right? Like MNREGA, like प्रधानमंत्री आवास योजना, like स्वच्छ भारत मिशन, like अमृत, right? Like you know, भारतमाला परियोजना, right? Then सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, then प्रधानमंत्री जनधन योजना. So these are some of the landmark schemes of the government of India, which are being implemented by the government, right? So second in the order, we have all the landmark scheme, and then उसके बाद अगर आपके पास time बचता है, then you can cover the other schemes as well, because you cannot afford leaving this topic. आप इस topic को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? छोड़ के जाओगे, phase two तो नहीं निकलने वाला, भूल जाओ, right? So this should be the priority that you should follow during the examination while preparing for government schemes. Number one, you have to cover schemes in news which have been in news for the last 1 year before the exam. Then landmark schemes and then other schemes. अगर आपके पास time है तो. And if I talk about from today, you have a lot of time. अगर अभी से हम prepare करना शुरू करेंगे तो बहुत सारा time है आपके पास. तो you can cover schemes from all these three categories, right? Now the question is, क्या हमें सारी मिनिस्ट्री करके जानी है? सो यस, ऑलमोस्ट ऑल द मिनिस्ट्रीज यू हैव टू कवर, ठीक है? द स्कीम्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द मिनिस्ट्रीज गाइज यू हैव टू कवर, बट नॉट ऑल स्कीम्स. सारी स्कीम्स करके जाने की जरूरत नहीं है. तो वो सब कैसे आइडेंटिफाई होता है, दैट आई विल टेल. बट बिफोर दैट, लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इन द सीक्वेंस, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस से लेके लेस इंपॉर्टेंस तक हम जा रहे हैं, राइट? So Ministry of Finance, very very important. Every year one or two questions have been asked from the Ministry of Finance. Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education, Ministry of Agriculture, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Rural Development and Panchayati Raj. Then Ministry of Social Justice and Empowerment, very very important ministry. Ministry of Women and Child Development, again very very important, because see, what is the topic? Economic and social issues, and all the social issues related to women and child, all the schemes are covered under this ministry, right? Like for example, Beti Bachao Beti Padhao, Mission Shakti, everything is there. Ministry of Labour and Employment, right? Then Ministry of MSME, Ministry of Minority Affairs, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Power, and Ministry of Renewable Energy. And then Ministry of Food Processing Industry, Ministry of Textiles, these days are becoming very important. Okay, like for example, that PM Mitra Park scheme was launched, right? Then Ministry of Ayush, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Fisheries. Some very important scheme are there from the Ministry of Fisheries, like Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. This year there was a question in descriptive in NABARD examination, so you can imagine how much important government schemes are. Ministry of Tourism and Ministry of Tribal Affairs. So this is the sequence in decreasing order of importance of the ministries. These are the important ministries and decreasing order of the importance of the ministries, right? From these ministries you have to cover the schemes. ठीक है जी, आगे चलते हैं. ये हो गई important ministries की बात, but कैसे करें, कहां से करें? The question is, what should be the source that we should follow for the government schemes? So number one, अगर हम बात करें अपने प्रायोरिटी में चलते हैं, नंबर वन फॉर स्कीम्स इन न्यूज, राइट? हाउ कैन वी कवर द स्कीम्स विच हैव बीन इन न्यूज फॉर द लास्ट वन ईयर? सो देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सोर्स, एंड दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, दैट इज PIB.gov.in. इसमें सारे रिलीजेस होते हैं फ्रॉम ऑल द मिनिस्ट्रीज, राइट? तो वो सारे जितनी भी स्कीम्स न्यूज में होती है वो एक्चुअली PIB में रिलीज होती है, और फिर वो सारी न्यूज़पेपर्स में छपती है. ओके, सो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स. बट द क्वेश्चन इज PIB अगर आप कवर करने जाओगे, तो अगर आप खुद से PIB कवर करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? आप खुद आज खोल के देखना PIB.gov.in, एक दिन की इतनी सारी रिलीज होती है, आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरा दिन तो इसी में चला गया, बाकी चीजें कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज मी. जब तक मैं हूं, तब मैंने आपको बताया था कि जब तक मैं हूं, PIB की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है.
all the schemes and all the other relevant news from PIB are being covered through these sessions, जो कि पिछले 2.5 years I think हो चुके हैं, continue है, कभी भी नहीं रुका है. Okay, बीच में रुकता है just because की examination आ जाता है, इसलिए उस समय marathon sessions होते हैं, but एक भी news ऐसी आज तक नहीं हुई जो कि PIB में थी और exam में आई और हमने cover की हुई नहीं थी. Right? Because I teach you guys everything here from the PIB जो भी relevant है. All right. So PIB के लिए you can follow the PIB 247 session Monday, Wednesday, Friday at 8 AM only at anujindal.in. ठीक है, I hope आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी. ठीक है, तो ये तो हो गया for schemes in news. Now what about the schemes which are of static nature, जो कि हमने landmark schemes को discuss किया था, उसके लिए क्या करें, what should we do for those schemes? Like for example, if I want to study प्रधानमंत्री आवास योजना, then from where I should study this scheme, प्रधानमंत्री आवास योजना. So remember guys, this is not the UPSC examination, this is the RBI examination. In UPSC examination, they just ask the important features of the government, of any government scheme. But this is the RBI examination. ये बहुत डिटेल में government schemes के बारे में पूछते हैं. So in that case, what should be the strategy? क्या strategy होनी चाहिए? So strategy मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ जो मैं follow करता हूँ. Right? मैं सिर्फ एक ही चीज follow करता हूँ, and that is the official document of that particular scheme. Right? Official document of that particular scheme. Like for example, here you can see it is the official document of Shrestha scheme. Right? It is the official document of Shrestha scheme. From this official document, हम identify करते हैं, identify that which things are important for the examination and which are not, because more than 100 pages, sometimes 200 pages, sometimes 50 pages की एक official document होता है, right? तो उसको simplify करना, उसको identify करना, that okay, this is relevant for examination, this provision is not, this is quite difficult thing, right? So this strategy I follow, but again सवाल वही है कि ऐसा करते करते तो ये बाबू भैया की तरह आपको 30 साल लग जाएंगे, तब भी सारी schemes के official document complete नहीं हो पाएंगे and you will lose your marks during the examination. Then what is the solution? Solution is only one. Solution आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दो है, मैं बता देता हूं. पहला solution ये है that you can search for Anuj Jindal government schemes on YouTube. There is a playlist, in that I have covered बहुत सारी government schemes मैंने वहां पे cover कर रखी है in very much detail, which is required for the RBI examination. Right? RBI examination के लिए जितनी भी detail में जा सकते हैं, सारी डिटेल में वहां पे बहुत सारे स्कीम्स कवर्ड है, बट नॉट ऑल. राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सारा आपका कवर हो जाएगा, बट यस, बिफोर द एग्जामिनेशन आई कंडक्ट मैराथन सेशंस, एंड इन मैराथन सेशंस जनरली मैं सारी स्कीम्स आपको करा देता हूँ थ्रू क्वेश्चंस. राइट, बट दीज आर द मैराथन सेशन, वो थ्रू क्वेश्चंस होते, ठीक है. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन बाय द कोर्स, एंड इन द कोर्स आई हैव प्रोवाइडेड द 3 comprehensive PDFs of government scheme, in which all the government schemes have been covered in a comprehensive manner, which is required for the RBI examination. But this is your choice whether you want to buy the course or not. I am just giving you the option, right? So, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये. So now you will say कि भाई आप तो अपनी marketing कर रहे हो. नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको तीसरा तरीका भी देता हूँ. तीसरा तरीका है Vision IAS की comprehensive PDF. But let me warn you here. These PDFs are good. I'm not saying, मैं किसी को यहाँ पे criticize नहीं कर रहा, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारी तरह कोई होगा जिन्होंने ये PDF भी बनाई होगी, तो I'm not criticizing these PDF, but yes, you have to understand that which exam you are giving, whether you are giving UPSC exam or RBI Grade B exam. In RBI Grade B exam, जैसे मैंने आपको बताया, the schemes are required in detail, but these schemes cater to these documents of Vision IAS cater to UPSC examination. ये UPSC examination को cater करता है, and UPSC never asks this question on schemes in that much detail which RBI asks. ठीक है ना? So this is the problem with this Vision IAS document, right? And then the third source is Google Baba, but here authenticity matters, because government schemes के साथ problem ये है that the government keep on updating the government schemes. ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट्स उसके अंदर आते हैं. सो हाउ वुड यू बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज अपडेट्स? लेट्स से यू सर्च फॉर एनी गवर्नमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, राइट, एंड यू गो टू अ वेबसाइट,
which is providing you all the details regarding the scheme. But how would you know that these details, those details which that website is providing, is authentic or not, is updated or not? More than authenticity, it's the updation which matters, right? So that is, guys, something which you have to keep in mind while preparing the government schemes. Now, so the thing is, आप इतनी सारे sources को आपको combine करके पढ़ने से अच्छा है कि आप मेरे से पढ़ लो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी तारीफ कर देता हूँ कि मेरे से पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम, राइट। मैंने आपको कोर्स में गवर्नमेंट स्कीम की 3 कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ दे रखी है। ऑल द स्कीम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द आरबीआई एग्जामिनेशन आर कवर्ड हेयर, और हर मंथ ये पीडीएफ अपडेट होती रहती है, राइट। एंड ऑल द स्कीम्स इन न्यूज आर बीइंग कवर्ड थ्रू पीआईबी सेशन, राइट। पीआईबी सेशन से जो स्कीम्स इन न्यूज है सारी कवर हो ही रही है, ऑलराइट। सो दीज आर द सोर्सेज। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच सोर्स यू हैव टू फॉलो। आई हैव given you the options कि आपको क्या करना चाहिए। Now you are mature enough to decide कि what you should have to do। अब आ जाते हैं कि how to cover the government schemes। But before that, there are certain elements of a government schemes which are really very important। और वो क्या क्या है? Number one, you have to remember the objective। But objective के लिए अगर आपने पहली मेरी कोई class देखी है तो you know कि हम कैसे easily from the name of the scheme itself we can easily derive the objective of any particular scheme. Then launch year you have to important, that's very very important, which ministry is implementing that, right? The targets if any under that scheme, nodal implementing agencies if any, and then finally the key features. Now these key features, this is really important to identify which features are key features and which are not, which means which features are relevant for the examination and which are not, right? So, ये काम मेरा है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर फॉलोइंग माई गवर्नमेंट स्कीम सेशन देन ये सारा काम आपके लिए मैं करके दे रहा हूं, राइट। बट स्टिल अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्कीम दैट यू कांट अफोर्ड टू लीव, ये आपको करने ही करने हैं, ऑलराइट। अगर आपके पास अभी टाइम है तो यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई योर सेल्फ द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैं करता हूं, आप भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ऑलराइट। And now how to cover the government scheme. So I will tell you the way, जिस तरीके से मैं government schemes आप लोगों को कराता हूँ वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, कोई अनोखा तरीका नहीं है, it's very simple, right? So now what I do is I divide government scheme, any government scheme into 2 parts. There are certain provision in a scheme which we can do effortlessly, which means अगर मैं उसको एक बार ढंग से पढ़ रहा हूँ then मुझे उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। If I am listening to that lecture or I am reading that PDF properly or carefully, being attentive, then those provisions will not be required to study again. उसको हमें जो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And then of course there are certain things that you have to remember, like for example launch year, if there is any outlay, if there is any target, then these things you have to remember. I can't do anything in that. You have to do that. Okay. Now someone will tell you ki, okay, these tricks you should follow, those tricks you should follow. Go with the mind maps and those. देखो मैं बताऊं आपको, अगर आप 500 schemes cover कर रहे हो और 500 schemes के लिए आपने 500 trick कर ली, तो these tricks also you are remembering ना? तो why to remember the tricks? Let's remember the facts. Alright? So tricks के पीछे मत भागा करो. Tricks ठीक है, कभी कभी use हो जाती है, but not always. और अगर exam में कभी trick भूल गए ना गलती से, तो कभी भी उस question को attempt नहीं कर पाओगे, because your basic is not clear. Right, this is the problem with the tricks, all right? So ab iska main example aapko de deta hu, what is the meaning of this effortless learning and things to remember. Let's take an example from a government scheme. This is a scheme, Paramparagat Krishi Vikas Yojana, right? Paramparagat Krishi Vikas Yojana is the scheme. Now first of all, let's try to understand which are the things which we can do effortlessly from this scheme. See, first of all, if I talk about the objective, right, thoda sa patiently dekho, sare doubts clear honge. आई होप बहुत सारे तो क्लियर हो गए होंगे। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो परंपरा, इसके नाम से वी कैन डिराइव द नेम, वी कैन डिराइव द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द नेम ओनली, राइट। व्हाट इज द नेम? परंपरागत कृषि विकास योजना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परंपरागत? ट्रेडिशनल वे। कृषि विकास मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल वे, सो व्हाट वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर? बाई यूजिंग मेन्योर्स, बाई यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स, राइट। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू
the government intends to remove the use of fertilizers, the chemical fertilizers, the artificial fertilizers in the agriculture. And that is the objective, to promote natural farming, or you can say to promote the organic farming is the objective of the scheme. That's it. Objective is clear. Now, do you really think कि अब आपको इसको दोबारा याद करने की जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव को? Of course not. When you are deriving the objective from the name only, then of course you don't have to remember, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे इसको याद थोड़ी ना किया, right? आगे चलते. Now this thing, institutional framework. Generally they don't ask, right? Generally they don't ask, but this is for the basic understanding. Of course, at first of all there will be a committee at national level, then there will be a committee at state level, then of course there will be a committee at district level. एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, right? Then approach. Of course, approach जो होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है. अगर किसी स्कीम में हम कोई अप्रोच पढ़ रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है. देन ओके, अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना व्हाट अप्रोच इज बीइंग फॉलोड. तो अप्रोच इज क्लस्टर अप्रोच टू अडॉप्ट द पीजीएस सर्टिफिकेशन. एक बार अप्रोच आपने अंडरस्टैंड कर ली, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? और अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, बिकॉज मैं स्कीम नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है? देन पीजीएस सर्टिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में आपने एक बार पढ़ लिया तो आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, राइट? फिर ये दो इसके कॉम्पोनेंट्स और मेजर एक्टिविटीज है. अब नाउ दीज मेजर एक्टिविटीज आर द मेजर एक्टिविटीज. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज एंड द डैट कॉम्पोनेंट इफ एनीथिंग देयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट सेकेंड कॉम्पोनेंट के वो एक्टिविटीज थे. नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. लाइक फॉर एग्जाम्पल लॉन्च ईयर, यू हैव टू रिमेंबर, यू कांट डू एनीथिंग विद इट, राइट? यू कांट अंडरस्टैंड द लॉन्च ईयर, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल. Then again, this financial assistance or the total outlay, you have to remember. Basically, the features which includes numbers, that those features you have to remember. And rest of the things, if you are studying properly and if you are listening to any lecture properly, then वो एक बार पढ़ोगे अच्छे से तो वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You wouldn't have to read it again. Okay? So these are the things. Now the last but not the least, how to remember. Now you must be wondering कि आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया, आपने ये तो बताया नहीं कि भाई 500 schemes हैं या 400 schemes हैं या 200 schemes हैं, इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी? So there is only one way out. There is only one way guru mantra for that, and that is continuous revision. Continuous revision, revise करते रहो, revise करते रहो. So याद करने का एक ही तरीका है साहब, and that is revision, revision and revision. There is no other way out. कोई और तरीका नहीं है. Now let me tell you how I do it. Let's say for example, today I pick PDF of the government schemes part 1. उसमें मैंने ministry of finance उठाया, ठीक है? इस ministry of finance में let's say today I cover 5 schemes. आज मैंने 5 schemes उसमें से याद कर ली, cover कर ली अच्छे से, जो भी तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से, right? अब जब मैं कल दोबारा इसको उठाऊंगा, देन आई विल नॉट मूव टू द स्कीम्स नंबर 6 to 10. फर्स्ट आई विल रिवाइज दीज 5 स्कीम्स एंड देन आई विल मूव टू 6 to 10 स्कीम्स. ऐसे ऐसे जब करते जाओगे तो देयर विल बी अ डे जब आपको इन 5 स्कीम्स को दोबारा से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में छप चुका होगा, राइट? तो बार बार रिवाइज करते रहो, कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहोगे. ऐसे कैसे नहीं याद होगा भाई? बिल्कुल याद होगा. आपको आज अपना नाम याद है कि नहीं याद है? क्यों याद है? अपने पापा का नाम याद है, मम्मी का नाम याद है, दोस्तों के नाम याद है, ठीक है? अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम याद है, बॉयफ्रेंड्स के नाम याद है. क्यों याद है? क्योंकि आप बार बार उन नाम को रिपीट कर रहे हो आज. सो दिस इज द सेम थिंग, ठीक है? आप बार बार इस चीज को रिवाइज करोगे तो ऑफकोर्स ये चीजें याद रहेंगी. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल गाइज. आई होप ऑल द डाउट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स आर क्लियर. अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आई होप कि मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प करी है in clearing all your doubts regarding this topic. But yeah, I am again saying this, agar aapko phir bhi koi doubt hai to you can ask me in the comment section. How important ministries, I have told you guys. I have told you how to cover the government schemes. I have told you what are the sources that you should follow. I have told you the importance of the government schemes. Everything has been discussed. All right, so I hope everything is clear, and yeah, that's it for this session. Goodbye, take care, and God bless.